भिवानी में एक्साइज विभाग व पुलिस ने रेड मारी है। इस दौरान ऑनलाइन के साथ साथ शराब के स्टॉक की जांच की गई। आपको बता दें कि डीएसपी व एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने एक साथ रेड की है। इस दौरान लॉकडाउन में कितनी शराब बिना एक्साइज ड्यूटी के बाहर गई, उसके सहित हर प्रकार के स्टॉक की जांच की गई है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि शराब के गोदामों में जाकर चेकिंग की जा रही है। लॉकडाउन के समय उनके पास कितना स्टॉक था, अब उनके पास कितना स्टॉक है और कितना नया स्टॉक आया है, यह भी चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डिटेल मंगवाई गई है, सभी गोदामों को ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, उनका मिलान करवाया जा रहा है कि उनके ये माल यहाँ रखा हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये सभी चेकिंग पूरे हरियाणा में की जा रही है। आपको बता दें कि इस छापामार कार्यवाही से आसपास अफरा तफरी मची हुई है। तो एक्साइज के L1, L13 हैं, उनके सारे स्टॉक को वेरीफाई किया जा रहा है। लॉकडाउन के समय उनके पास कितना स्टॉक था, आज के टाइम उनके पास कितना स्टॉक है, क्या उन्होंने स्टॉक में कोई गड़बड़ी तो नहीं की, और नया स्टॉक कितना आ चुका है, कितना यहाँ से जा चुका है, उन सभी का डाटा पहले हमने ऑनलाइन प्राप्त किया है और यहाँ भी आके इनका ऑनलाइन सारा डाटा प्राप्त किए करके और सारी फिजिकल चेकिंग की जा रही है और स्टॉक का मिलान करवाया जा रहा है। ये चेक करने के लिए कहीं एक्साइज ड्यूटी की चोरी तो नहीं की जा रही, जो माल पहले पड़ा हुआ था वो माल यहाँ रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, क्या इन्होंने उसकी एक्साइज ड्यूटी भरी है या नहीं भरी, इस संबंध में दोनों विभागों द्वारा ये संयुक्त चेकिंग की जा रही है। देखिए, ये सारे हरियाणा में ही चेकिंग की जा रही है, स्पेशल भिवानी के लिए ही नहीं है, सारे जिलों में ये चेकिंग की जा रही है कि भाई जो भी स्टॉक लॉकडाउन से पहले का था इन गोडाउंस में रखा हुआ था, क्या वो है या नहीं है, इस संबंध में ये वेरीफाई किया जा रहा है। देखिए, एक बार इनकी फिजिकल चेकिंग हो चुकी है, उस समय जो स्टॉक में कोई भी जो है ना कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी, लेकिन अब मैं दोबारा इनकी फिजिकल चेकिंग कर रहा हूँ स्टॉक की, तो जैसे भी चेकिंग करने के उपरांत होगी वो रिपोर्ट देगी। सर, लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी है। शराब के मामले में जो ठेके थे, ठेकों पर जो शराब गई थी वो एक्साइज ड्यूटी पेड थी, और जितनी भी शराब ठेकों से बाहर निकली वो एक्साइज पेड ड्यूटी थी। अब ये चेक किया जा रहा है कि यहाँ जो L1 में और L13 में जो शराब रखी हुई थी स्टॉक में, क्या उसमें कोई गड़बड़ी की गई है या नहीं की गई, क्योंकि वो ठेके की जो शराब ठेकों पर जा चुकी थी वो सारी की सारी एक्साइज पेड। सर, कई जगह साथ मिले कि सिर्फ डिब्बे यहाँ पर जो गोदामों में रखे गए हैं, तो कुछ बोतलें उनसे निकाल कर दो नंबर में नहीं, ये तो हम सारा स्टॉक चेक करेंगे, अगर डब्बे भी रखे हैं एक एक चीज़ की वेरीफाई करेंगे कि भाई कितना इनके पास स्टॉक था, कितनी की बोतल से। नहीं, कहीं ना कहीं जो गलती करता है, जो बदमाशी करता है, तो कहीं चूक तो करता ही है। ऑनलाइन अभी ऑनलाइन इसके पासेस कटते हैं और उस दौरान जो परमिट कटे हैं उनसे इनका मिलान हो जाएगा। ऑनलाइन जो स्टॉक था तो उसका परमिट भी कटेगा, और परमिट अगर कटा है तो किस तारीख को कटा है, क्या वो ठेके खुलने के बाद कटा है या पहले कटा है, तो उसका पैरेलल मिलान हो जाएगा। देखिए, मैं फिजिकल चेकिंग कर रहा हूँ, स्टॉक है, इसको गिनने में टाइम तो लगेगा, उसके उपरांत ही जो है ना अपनी रिपोर्ट सबमिट कर पाऊंगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.